आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के सती मंदिर धीमीश्री शमशाबाद में सांसद प्रत्याशी की जीत के लिए विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया गया। चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प जनसभा का आयोजन शुरू हो गया। वहीं आज फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के लिए जनता के बीच विजय संकल्प जनसभा का आयोजन किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और कार्यक्रम आयोजक विधायक जितेंद्र वर्मा, फतेहाबाद विधानसभा संयोजक अवनीश कांत गुप्ता के साथ साथ जनपद के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे, जहां कार्यकर्ताओं और जनता के कार्यक्रम में मोदी 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 के नारे लगे। डिप्टी सीएम के मंच पर आते ही मोदी मोदी की गूंज सुनाई देने लगी। वहीं दोनों हाथ उठाकर जनता ने भी उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। पत्र जारी कर दिया है, कैसा घोषणा पत्र है कांग्रेस का? कांग्रेस झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। हाँ। और झूठ बोलने वालों से देश की जनता का भरोसा उठ गया है। हाँ। 10 साल जब ये सरकार में थे तो झूठ आज फैला रहे हैं, उसमें से एक भी काम नहीं किए। और माननीय मोदी जी ने 5 साल में उनके 55 साल से ज्यादा काम कर दिया है। हाँ। वो अंदर से घबराए हुए, डरे हुए, झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वो असफल हो गए हैं, वो फेल हो गए हैं। जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी स्वयं उत्तर प्रदेश छोड़कर के भागे। बुआ भतीजे उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगे कुछ? बुआ भतीजे इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहता हूँ, जो अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के नहीं हुए, अपने चाचा जी के नहीं हुए, वो बुआ जी के आज प्रदेश की जनता के क्या होंगे। क्या कुछ कहना है आपको इस विषय में, कैसा दबदबा दिख रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जनता का जो उत्साह है उसे निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि जनता बस इस बात का इंतजार कर रही है कि 18 तारीख कब आए। और मेरे लिए भी माननीय केशव जी ने 2 तारीख को इसी सती पे एक सभा करी थी और मैं यहाँ प्रचंड बहुमत से जीतने का काम हुआ था। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से 1,02,000 मिले थे, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं, हम लोगों की यहाँ तमाम हमारे साथी हैं कार्यकर्ता और नेताओं की मेहनत से हम यहाँ 1,25,000 के लगभग लक्ष्य पूरा करने का काम करेंगे। तीनों प्रत्याशियों में से सबसे बड़ी टक्कर किससे देख रहे हैं? देखिए, प्रत्याशियों से किसी से टक्कर है ही नहीं, कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं। जवान से कोई भी टक्कर देता रहा, लेकिन जमीन पर टक्कर कोई नहीं दे पाया। किस तरह की आप लहर देख रहे हैं? देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि पूरे देश की जनता और लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की जनता, पांचों विधानसभाओं, चाहे वो खीरागढ़ हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे आगरा ग्रामीण हो, चाहे बाहा हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता आतुर है। लोग तैयार बैठे हैं, लोग चाहते हैं कि कब से जल्दी मतदान का दिन आए और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मतदान करने के लिए कमल पर बटन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, जमीनी स्तर से ये आवाज आ रही है कि कांग्रेस के राज बब्बर मैंने तो आज तक नहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कांग्रेस में गया हो, मैंने तो सुना नहीं। कांग्रेस का या कोई वजूद नहीं, कांग्रेस का कुछ है नहीं है, कांग्रेस मुझे तो नहीं लगता कोई टक्कर वक्कर किसी से। जनता ये चुनाव लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है और जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है तो मैं किससे कहूँ टक्कर है ना। आप जब मान लीजिए अगर आप इलेक्शन जीते हैं उसके बाद में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी विकास के? देखिए, सबसे पहला मेरा फर्ज ये होगा कि क्षेत्र की जनता के बीच में रहूँ। लोगों को ये लगना चाहिए कि आज जो उनके बीच का लड़का है, जो बीच का उनका बेटा है, किसान का बेटा है, जो हम में से ही है, हम में और जनता में अंतर नहीं है, तो उनको सबसे पहले तो ये लगना चाहिए कि उनके बीच में हर समय हम रह रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़े किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, गांव के लोगों को, मैं उनके बीच में नजर आऊँ, सबसे पहला काम तो मेरा ये होगा। बाकी रही बात आगे की, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का तो विकास होना ही होना है, योजना तो आनी आनी, लेकिन मैं लोगों के बीच में रहूँ, ये मेरी प्राथमिकता है। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में किस तरह की कार्य करेगी सरकार, क्या परेशानी आए इस क्षेत्र में? देखिए, परेशानी की अगर आप बात करें तो पेयजल की एक मुझे लगता है एक बड़ी समस्या है। पानी पीने की सुविधा वैसे तो बहुत हुई है पिछले समारी